हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हिंदी में द्विपद प्रमेय भी कहा जाता है, और बाइनोमियल थ्योरम को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया गया था सर इसैक न्यूटन के द्वारा। तो इसे हम लोग सर इसैक न्यूटन फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। बाइनोमियल, जैसे मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी होल पावर n है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद का टर्म अगर हमें लिखना है तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसके बाद का टर्म लिखना चाहते हैं तो nc3 a का पावर एन माइनस थ्री बी का पावर थ्री और ये प्लस, ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, यह है आपका फोर्थ टर्म। इसी टाइप से मान लीजिए आपको फिफ्थ टर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं एन सी फोर ए का पावर एन माइनस फोर बी का पावर फोर। देखिए c का जो सफिक्स है, ये सफिक्स है b का पावर है, और c का जो सफिक्स है a का n माइनस फोर, मतलब a का जो इंडेक्स होगा n माइनस फोर होगा। और यही सिचुएशन हर जगह है। यहां देखिए c का सफिक्स 3 है, b का पावर 3 है, a का जो इंडेक्स है n और 3 का डिफरेंस है। तो इसी हिसाब से आप आगे के टर्म भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सिक्स टर्म लिखना है तो एन सी फाइव ए का पावर एन माइनस फाइव बी का पावर फाइव हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट टर्म एन सी सिक्स ए का पावर एन माइनस सिक्स बी का पावर सिक्स, और ये इसी टाइप से आपका कंटिन्यू रहेगा, इसी टाइप से कंटिन्यू रहेगा। तो मान लीजिए यहां पे हम लिख रहे हैं एन सी आर माइनस वन, तो ए का पावर क्या होगा, तो देखिए एन और आर माइनस वन का डिफरेंस एन माइनस आर प्लस वन, और बी का जो पावर होगा सी का जो सफिक्स होगा आर माइनस वन। इसके बाद का जो टर्म होगा एन सी आर होगा, और ये देखिए a का पावर n माइनस आर बी का पावर r प्लस, ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और जो लास्ट का टर्म मान लीजिए एन सी एन ए का पावर जीरो बी का पावर n। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरी एक्सपेंशन में, तो a का जो पावर है, ए का पावर देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पे ए का पावर पहले टर्म में ए का पावर एन है, उसके बाद एक एक कम होता जा रहा है, ए का पावर कम हो रहा है, और लास्ट में देखिए ए का पावर कितना है, जीरो है। बी का पावर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बी का पावर जीरो से देखिए एन हो गया, और ए का पावर एन से जीरो हो गया, और बी का पावर जीरो से एन हो गया। लेकिन हर एक टर्म में a और b का जो पावर है n है, हर एक टर्म में a का पावर और b का पावर का जो प्लस होगा, जो सम होगा वो n होगा। n मतलब क्या, a प्लस b का जो पावर n है। और ये जो पूरा जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, इसी एक्सटेंशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो ये है आपका बाइनोमियल
थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे वह n प्लस वन होगा। तो पहला जो इंफॉर्मेशन हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की संख्या, टर्म्स की संख्या कितनी होगी तो n प्लस वन होगी, ठीक है। इस टाइप का देखिए, जैसे n की वैल्यू कुछ भी है, 6 है, 7 है, 10 है, 11 है, तो मान लीजिए कि n का वैल्यू 10 है तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर n के जगह पे मान लीजिए 12 है तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मतलब एक ज्यादा होगा, जो यह पावर होगा उसे एक ज्यादा टोटल टर्म्स होंगे a प्लस बी होल पावर n के एक्सपेंशन में, टोटल टर्म्स की संख्या जितना भी यहां पावर होगा उससे एक ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान देना है। और हर एक टर्म में a का पावर b के पावर का जो सम होगा वह n के बराबर होगा, यह वही n होगा जो कि a प्लस बी का जो पावर होगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें देना है जनरल टर्म के बारे में, जनरल टर्म मतलब हमें देखिए ऐसा टर्म चाहिए जिसके बेसिस पे हम हर एक टर्म को लिख सकते हैं। ऐसा टर्म हमें लिखना है जिसके बेसिस पे a प्लस बी होल पावर n के एक्सटेंशन में किसी भी टर्म को हम लिख सकते हैं, तो सच टाइप ऑफ टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म। हिंदी में उसको हम लोग व्यापक पद बोलते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में द्विपद प्रमेय कहा जाता है। या मान लीजिए द्विपद प्रसार है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मींस द्विपद प्रसार, बाइनोमियल थ्योरम मींस द्विपद प्रमेय। एक्चुअली जो बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फैला रहे हैं। और आप देखिए छोटे क्लासेस से, क्लास सिक्स ऑनवर्ड से एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्चुअली जब n का पावर 2 अगर ले लेंगे तो यही जो एक्सपेंशन है एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, जिसमें टर्म की संख्या 3 होती है। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। अगर n का वैल्यू 3 हो जाए तो a प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा, यह भी आपको मालूम है कि a प्लस बी होल क्यूब में टोटल टर्म्स की संख्या 4 होती है, a क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। तो n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। अगर वहीं पे n का वैल्यू 0 ले लेंगे तो a प्लस बी होल पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जनरल टर्म हमें पता करना है, ऐसा टर्म जिसके बेसिस पे हम इस एक्सपेंशन के किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें जनरल टर्म अगर हमें लिखना है तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये देखिए ये जनरल टर्म है, और ये सही मायने में देखिए r प्लस वन एथ टर्म है। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, यहां 0 है फर्स्ट टर्म है, यहां पे देखिए n c 1 सफिक्स है तो ये सेकंड टर्म है, यहां पे c का सफिक्स क्या है 3 है, तो ये देखिए थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन। इसी टाइप से अगर यहां पे r माइनस वन है, मतलब ये यह जो है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये है आपका rth टर्म है, यहां पे r लिखा है मतलब ये r प्लस वनth टर्म है, लास्ट में देखिए n लिखा है मतलब ये n प्लस वनth टर्म है। तो ये आपका हो जाएगा एन सी आर ए का पावर n माइनस r, n माइनस r b का पावर r हो जाएगा। अगर आप इसी में ठीक है, हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस टर्म को लेते हैं ठीक है तो क्या होगा, यहां पे मान लीजिए एक बार ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसे अगर आप जनरल टर्म ले रहे हैं तो r की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0 से लेकर के, जीरो से लेकर के आपको आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी एन
एन तक, ध्यान समझिएगा। अगर आप आर की वैल्यू जीरो लेंगे, देखिए टी वन फर्स्ट टर्म तो एन सी जीरो, ए का पावर एन माइनस जीरो, बी का पावर जीरो, पहला टर्म मिल जाएगा। जीरो के बाद वन लेना है तो वन लेंगे तो टी टू आर वन प्लस वन टी टू मतलब सेकेंड टर्म तो एन सी वन ये मिल जाएगा। आर की वैल्यू अगर आप मान लीजिए टू लेते हैं तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे मान लीजिए हम अगर आरिथ टर्म लेते हैं तो फिर इसे हम आरिथ टर्म बोलेंगे, बात को समझिएगा ध्यान से। तो एन सी आर माइनस वन और ये देखिए ए का पावर एन माइनस आर प्लस वन और ये देखिए बी का पावर आर माइनस वन हो जाएगा। अब यहां पे आर की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, आर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी वन से लेकर के। तो फ्रेंड्स अगर हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो देखिए उस सिचुएशन में दो केस बनेगा। मिडिल टर्म निकालने के लिए आप पहले ये देखिएगा कि a प्लस बी होल पावर n के एक्सपेंशन में n की वैल्यू कितनी है। देखिए दो सिचुएशन हो सकता है, या तो n की वैल्यू इवन होगी या ऑड होगी। अगर n की वैल्यू इवन होगी मतलब पावर अगर इवन होगा तो उस सिचुएशन में टोटल टर्म की संख्या ऑड हो जाएगी। तो n की वैल्यू अगर इवन है तो टोटल टर्म्स जो होंगी उस सिचुएशन में टोटल टर्म ऑड होगी, और जब टोटल टर्म्स की संख्या ऑड होगी तो उस कंडीशन में एक मिडिल टर्म होगा, सिंगल टर्म विल बी द मिडिल टर्म। और वो कैसे निकालेंगे तो n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। और अगर n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो उस सिचुएशन में दो मिडिल टर्म होंगे, क्यों, क्योंकि n अगर ऑड होगा तो टोटल नंबर टर्म्स इवन होंगी, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो उस कंडीशन में दो टर्म ऐसे होंगे जो दोनों एंड से मिडिल में होंगे, बीच में होंगे। और जब n की वैल्यू इवन होगी तो उस सिचुएशन में टोटल टर्म्स की संख्या ऑड होगी, और उस कंडीशन में एक टर्म ऐसा होगा जो दोनों एंड से मिडिल में होगा। और जब n की वैल्यू ऑड होगी तो टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी आपका इवन होगी, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो उस सिचुएशन में दोनों एंड से मतलब बिगिनिंग से और एंड से दो टर्म ऐसे होंगे जो मिडिल में होंगे। कौन कौन होंगे तो n प्लस वन अपॉन टू एफ टर्म और n प्लस थ्री अपॉन टू एफ टर्म। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।